पहुंचे भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ। नमस्कार, भारत एट नाइन में आपका स्वागत है। साल 1975 में एक फिल्म आई थी शोले, जिसमें इस फिल्म का खलनायक गब्बर सिंह था। और गब्बर सिंह जब बसंती को किडनैप कर लेता है और उसको नाचने के लिए कहता है, तब वीरू यानी धर्मेंद्र कहते हैं कि बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। उस सीन में कहीं भी कुत्ते नजर नहीं आ रहे थे, जिससे पता चलता है कि धर्मेंद्र गब्बर सिंह और उसके गैंग को कुत्ता कहकर संबोधित कर रहे थे। और बिना किसी इशारे के सभी इस बात को समझ भी गए थे, जिसको खुद गब्बर सिंह भी समझ गया था। मतलब कि कुत्तों को सरेआम खलनायक बताया गया था। वहीं अगर उस सीन में कहीं भी कोई एनिमल एक्टिविस्ट होता या होती तो विरोध करते थे और सारा सीन वहीं के वहीं निपट जाता। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज के दौर में एनिमल एक्टिविस्ट का प्यार लोगों के लिए एक नए वायरस के रूप में दिख रहा है। ये वायरस है डेंजर डॉग। खुद ही इस वायरस को नाम दे दिया है और अंग्रेजी में दिया है ताकि ज्यादा लोगों को समझ आए। दोस्तों, एनिमल एक्टिविस्ट, माफ कीजिएगा, डॉग एक्टिविस्ट कहना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कुत्तों के लिए इनका प्यार चरम पर रहता है, जो कि अच्छी बात है। आपने मसलन बाकी जो जानवर की श्रेणी में आते हैं उनके लिए इतना प्यार नहीं देखा होगा। इनका तर्क रहता है कि कुत्ते वफादार होते हैं। ये बात हम कक्षा 5 के निबंधों में लिखते थे, जो कि सच भी है। लेकिन एक सच ये भी है कि समय समय पर राज्यों के कई जिला अस्पतालों में कुत्तों के काटने पर लगने वाले इंजेक्शन तक खत्म हो जाते हैं, क्योंकि रोजाना कई सैकड़ा लोगों को कुत्ते काट लेते हैं और इनका सबसे ज्यादा शिकार होते हैं छोटे बच्चे, हमारे बच्चे, आपके बच्चे। फिलहाल हम सब जब नए साल का जश्न मना रहे थे, तब भोपाल से एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया था। ये वही वीडियो है जो मेरी बाजू वाली खिड़की पर लगातार चल रहा है, जहां एक 4 साल की मासूम बच्ची को आदमखोर कुत्तों ने घेर लिया, उसको जमीन पर गिरा दिया, उसको चारों तरफ से नोचा काटा। गनीमत रही कि वक्त पर एक शख्स वहां आ गया और बच्ची को बचाया जा सका। बच्ची को बचा लिया गया, लेकिन एक सवाल है कि क्या वो बच्ची इस खौफ के साए की तस्वीरों से कभी भी जीवन में निकल पाएगी? क्या वो जब रात में सोएगी तो ये तस्वीरें उसको जगाएंगी नहीं, उसको डराएंगी नहीं? तो ये कुत्तों का जो आतंक है, इसको क्या नाम दिया जाए? एक तरफ कुत्तों के नाम पर हम लोग हर तरफ प्यार बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। हर जगह से तस्वीरें आती हैं, भोपाल से तस्वीरें आती हैं, रायपुर से तस्वीरें आती हैं, गजरौला से तस्वीरें आती हैं, पीलीभीत से तस्वीरें आती हैं, लखनऊ से तस्वीरें आती हैं, फरखाबाद से तस्वीरें आती हैं, मैनपुरी से तस्वीरें आती हैं और साथ ही साथ जयपुर से तस्वीरें आती हैं, दिल्ली के द्वारका से तस्वीरें आती हैं, हर जगह से तस्वीरें आती हैं। इसको लेकर केरला कि हाईकोर्ट ने एक बार एक टिप्पणी भी की थी। उन्होंने कहा था कि एक फाइन लाइन है, इसको समझना पड़ेगा। आप कुत्तों को फीड कर सकते हैं, यह आपका राइट है, और ये कुत्तों को भी दिया गया राइट है कि आप कुत्तों को फीड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और समझनी होगी, जरा सा हम अगर डीप में जाते हैं, नॉलेज को ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं, तो एक चीज समझ में आती है कि कुत्तों को फीड अगर आप जिस जगह पर कर रहे हैं, वो कुत्तों की मनोदशा में उसको अपनी टेरिटरी लगती है, मतलब वो उसको अपना इलाका लगता है। तो ऐसे में जब वो उसको अपना इलाका मानने लगता है और उस इलाके में अगर कोई भी बाहरी शख्स आता है जिसको कुत्ता ना तो पहचानता है ना जानता है, तो ऐसे में कुत्ता अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से उस पर अटैक कर देता है। और इसका ज्यादातर शिकार होते हैं छोटे बच्चे, क्योंकि कुत्ता जब देखता है कि उसकी जितनी बॉडी है उसी कायाकल्प का कोई शख्स सामने खड़ा है, कोई बच्चा सामने खड़ा है, तो वो बिना झिझक बिना डर के कई दफा उन पर अटैक कर देता है। और जब ज्यादा संख्या में आते हैं तो ज्यादा निडर हो जाते हैं और ज्यादा संख्या में आकर ज्यादा अटैक करते हैं। ऐसे में आए दिन सरेआम ये तस्वीरें आती रहती हैं, जयपुर से तस्वीरें आती हैं कि छोटे मासूम बच्चे को कुत्ते ने काट लिया। कई दफा तो ऐसी तस्वीरें भी आई कि जब कुत्तों के आतंक के चलते मौत तक हुई, कुत्तों ने लोगों को काट लिया, बच्चों को काटा, इस कदर काटा कि उसकी मौत हो गई। आज ये मुद्दा इसलिए गर्म है क्योंकि ये जो कल तस्वीर आई है, जो वायरल हुई है, ये तस्वीर दरअसल 2 जनवरी की है। 2 जनवरी की तस्वीर बहुत कुछ कहती है। एक छोटी सी बच्ची, उसको आधा दर्जन कुत्ते घेरते हैं, काटते हैं, नोचते हैं, तभी बीच में एक शख्स आता है, उस बच्ची को बचा लेता है। ये एक बार फिर इस मुद्दे को गर्म करती है कि एनिमल एक्टिविज्म, एक बार फिर माफ कीजिएगा, डॉग एक्टिविज्म, इसको कहूंगा डॉग एक्टिविज्म के नाम पर कुत्तों को फीड करना, मोहल्ले इलाकों में कुत्तों को खाना खिलाना, और फिर ये कुत्ते जब ज्यादा संख्या में हो जाते हैं, आप इन कुत्तों को ले जाने भी नहीं देते, नगर पालिका की गाड़ी आती है, इफ दे ट्राई टू कैच द डॉग्स दे काउंटर इट। तो जब आप उसको काउंटर करते हैं, कुत्तों की संख्या ज्यादा हो जाती है, जाहिर सी बात है वो आपको नहीं काटते, आपको नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन वो बहुत से ऐसे लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं जिसका इनसे वास्ता नहीं। ऐसे में ये जो वीडियो है, एक वीडियो आपको दिखाएंगे, ये वीडियो वही है, 2 जनवरी का वीडियो है, जहां पर भोपाल में एक छोटी सी बच्ची को, जो 4 साल की उम्र की है, उसको किस कदर कुत्ते
नोच रहे हैं, उसके साथ आदमखोर जैसा व्यवहार कर रहे हैं। इस वीडियो को देखिए, फिर आगे बातचीत करते हैं। इस वीडियो को चलाइएगा जरा। भोपाल का ये वीडियो डराता भी है और थोड़ा थोड़ा सहमाता भी है। इसलिए सहमाता है कि किस कदर एक छोटी बच्ची उस इलाके से अकेले निकल रही थी, और जब वो बच्ची अकेले निकल रही थी तब इन कुत्तों ने उस पर अटैक कर दिया। और ऐसे ना जाने कितने वीडियोस हमसे छिपे रह जाते हैं, और घटना दरअसल यही है। इन घटनाओं पर कब अंकुश लगेगा, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कई दफा एनिमल एक्टिविस्ट एक बाउंड्री को क्रॉस कर जाते हैं, छोटी सी बाउंड्री है उसको क्रॉस कर जाते हैं। उस बाउंड्री को क्रॉस करने के चलते जो आम लोग हैं इसको रिटेलिएट करते हैं, जिसकी वजह से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक वीडियो मेरे इस कथन को सार्थक करता है। हालांकि ये वीडियो पुराना है, लेकिन दिखाता है कि किस तरह से एनिमल एक्टिविस्ट जब कुत्तों से अपना प्यार दिखा रहे होते हैं, जो कि लाजमी सी बात है कि ठीक भी है कई मायनों तक, जब तक वो फाइन लाइन क्रॉस ना हो तब तक, जब एनिमल एक्टिविस्ट कुत्तों के प्रति अपना प्यार जाहिर कर रहे होते हैं, तब सामने जो आम आदमी है, जो आम व्यक्ति है, जो लोकैलिटी में रहता है, उसको अगर कुत्तों से खतरा महसूस होता है तो क्या कंडीशंस होती हैं, इस वीडियो को दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। कहानी रायपुर की है। रायपुर में दरअसल हमारे एक मीडिया के सहयोगी थे, वो एक दफा एक कहानी सुना रहे थे। उन्होंने बताया कि जब वो रात में कार्यालय से, अमूमन जो 11 बजे बंद होता था कार्यालय, 11 बजे बंद कर जब वो अपने मोहल्ले की तरफ बढ़ते थे, तो वो एक डर से अपने मोहल्ले की तरफ बढ़ते थे, क्योंकि मोहल्ले के बाहर उनको उनका रिक्शा उतार देता था, लेकिन रिक्शे से जब वो मोहल्ले के अंदर जाते थे गली में, तो उनको डर लगता था, डर था कुत्तों का। बताते थे कि उस गली में इतने कुत्ते थे, इतने आवारा कुत्ते थे, जिनको गली के ही कुछ लोग जो उन जानवरों से प्यार करते थे उनको फीड करते थे, और फीड करते करते उनकी संख्या इतनी हो गई कि उन कुत्तों को ऐसा लगने लगा कि उनका एरिया है। और जब वो रात में जाते थे तो वो कुत्ते उन पर भौंकते थे, और इस डर के साथ वो डेली दफ्तर से निकलते। ये छोटी सी कहानी है, अपने आप में बहुत कुछ संजोए हुए है, जो हमारी आपकी कहानी भी हो सकती है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एनिमल एक्टिविस्ट साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको एक कहानी सुनाई कि किस तरीके से कई दफा एनिमल एक्टिविस्ट और आम लोग भी आमने सामने आ जाते हैं, इस कथन को सार्थक करती है वीडियो। पुरानी है हालांकि, आपको देखनी चाहिए, और कौन सही कौन गलत इसका निर्णय आपकी मनोस्थिति पर छोड़ देता हूं। इस वीडियो को चलाइएगा। अगर वो बेचारा, हाँ वो बेचारा बेचारा इतना बेचारा लगता है तो अपने बिल्डिंग में ले जाकर बेचारा बनाओ। हाँ, अपने बिल्डिंग में लेके जाओ, बेचारा बनाओ। जो मारते हो क्या? हाँ, वो जो करते हैं हम लोग मालूम क्या करते हैं। डोंट कंपेयर माय किड्स विद योर डॉग्स, ओके? डोंट कंपेयर माय किड्स विद द स्ट्रे डॉग्स, ओके? Thank you.
इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो जो आप देख रहे थे, ये वीडियो पुराना था। हालांकि ये वीडियो ये दिखाता है, इस बात की तस्दीक करता है कि किस तरीके से कई दफा एनिमल एक्टिविस्ट जो कि अपनी जगह पर सही हो सकते हैं, वो आम जनता के सामने आ जाते हैं, जो कि अपनी जगह भी सही हो सकते हैं। दोनों लोग अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन एक फाइन लाइन है जो दोनों के बीच में डिफरेंसेस को पैदा करती है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ डॉक्टर रानू तोमर साहब जुड़ेंगे। आप वेटनरी डॉक्टर हैं और साथ ही साथ मेरे साथ रजत जी जुड़ेंगे, आप एनिमल एक्टिविस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है भारत एट नाइन में। ठीक है, स्वागत करेंगे आपका। लेकिन एक सेकंड, एक चीज मैं यहां पर जाहिर करना चाहूंगा, एक चीज डिस्क्लेमर के तौर पर यहां देना चाहूंगा कि ये कार्यक्रम किसी को भी, अभी भारत एट नाइन में हम किसी को भी गलत नहीं ठहरा रहे, ना ही एनिमल एक्टिविस्ट को गलत ठहरा रहे हैं, ना ही आम लोगों को गलत ठहरा रहे हैं। सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, अपनी अपनी परेशानी है दोनों ही साइड्स की, लेकिन एक फाइन लाइन जब ब्रेक होती है तब इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं। तो इसके पीछे दोषी कौन है? क्या प्रशासन दोषी है? क्या इसके पीछे, जैसा आम लोग कह रहे हैं कि एनिमल एक्टिविस्ट यानी डॉग एक्टिविस्ट के नाम पर जो लोग एक टेरिटरी क्रिएट कर रहे हैं डॉग्स की, वो दोषी हैं? तो इसको जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर रानू तोमर जी हैं और साथ ही साथ रजत जी भी हैं। रजत जी एनिमल एक्टिविस्ट हैं, डॉक्टर रानू तोमर साहब वेटनरी डॉक्टर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रजत जी आपके पास जाना चाहूंगा, फिर मैं रानू तोमर जी के पास आऊंगा। रजत जी, ये समझाने की कोशिश कीजिएगा कि जब हम लोगों ने थोड़ा सा रिसर्च किया, लोगों से बातचीत की, जानने समझने की कोशिश की, तो लोगों का ये आरोप था कि आजकल जो डॉग एक्टिविज्म के नाम पर जो चीज हो रही है, आप डॉग्स को फीड कर रहे हैं अपने प्रिस्क्राइब्ड एरिया पे, जहां भी आपका मन है आप फीड कर रहे हैं, लेकिन फीड करने के चलते वहां पर काफी जो संख्या है वो आवारा कुत्तों की बढ़ जाती है, स्ट्रे डॉग्स की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में उसी जगह पर जो आम लोग रह रहे हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन पर भी कुत्तों के द्वारा अटैक्स किए जाते हैं, तो ऐसे में ये परेशानी तो है, इसके लिए कौन दोषी है? देखिए सर, मैं बिल्कुल रियलिटी बोलना चाहूंगा। ये टॉपिक इतना वाइड टॉपिक है कि इसके लिए मेरा दो मिनट का जो बोलना होगा वो सफिशिएंट नहीं होगा। लेकिन पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ आपके इस पूरे प्रेजेंटेशन में। ठीक है, एक भय सा भर दिया है लोगों के अंदर में। अब उनके घर के बाहर अगर डॉग भी बैठा होगा ना, तो वो डंडा लेके जाएंगे बाहर मार के भगाएंगे। नहीं नहीं नहीं, हाँ। और उसकी वजह से अब मुझे थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा ना, हम जैसे जो वॉलंटियर्स हैं, हम अपने आप को एनिमल एक्टिविस्ट कम वॉलंटियर ज्यादा बोलते हैं, क्योंकि हमको ग्राउंड लेवल पे जाके जब इंजर्ड डॉग होता है ना, जिसको बेरहमी से मारा जाता है, जिसके ऊपर एसिड डाल दिया जाता है, जिसके ऊपर अटैक कर दिया जाता है, जब उसको उठा के जब डॉक्टर के यहाँ लेके जाते हैं ना, जब वो दर्द में हम उस डॉग को देखते हैं, तो हमको पता है कि उसके ऊपर क्या बीती है। तो मैं पहले तो आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा एक तरफा प्रेजेंटेशन के लिए, दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग एंड बट इट वाज अमेजिंग प्रेजेंटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग इज, हाँ, डिस्कशन अगर करना है इस चीज के ऊपर, तो देयर इज अ पैटर्न टू डिस्कस टू बोथ द साइड, नॉट ओनली वन साइड। आपने बहुत सारे वीडियोस दिखाए होंगे, आपने बहुत सारी चीजें दिखाई होंगी, आपको मैं भी बहुत सारे वीडियोस दिखा सकता हूँ जिसमें किस बेरहमी के साथ जानवर को मारा जा रहा है बिना उसकी किसी गलती के। अब आप पॉइंट पे आइए, मेन पॉइंट समझते हैं। आपने दो चीजें बोली, एक चीज आपने ये बोली, पहली चीज आपने ये कहा कि एक सेकंड का इंटरप्शन ये था कि केरला हाईकोर्ट को भी मैं कोट कर देता हूँ, काफी समय पहले उनका एक जजमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि कुत्तों के साथ बर्बरता होती है, कुछ लोग कुत्तों के साथ मारपीट भी करते हैं, मारते भी हैं डंडों से, स्टिक से, वो भी ठीक नहीं है, लेकिन कुत्ते जो लोगों पर अटैक्स करते हैं वो भी ठीक नहीं है। तो जिन जगहों पर अटैक्स होते हैं वहां पर अगर लोगों से बातचीत करते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि आजकल जो एनिमल एक्टिविज्म के नाम पर जो ज्यादा कुत्तों को फीड करना, ज्यादा संख्या में इकट्ठा करना, और अगर कोई गाड़ी आती भी है, मान लीजिए म्युनिसिपैलिटी से कोई भी गाड़ी आती है, तो उसको ले जाने ना देना, तो इस वजह से कहीं ना कहीं उनकी संख्या ज्यादा हो जाती है, वो अपनी टेरिटरी समझने लगते हैं आपको, हालांकि वो किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन जो लोग उनसे संबंधित नहीं है। देखिए मेरे पर... मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस ये, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमको भी नुकसान ना पहुंचाए, आप पॉइंट को समझिए। देखिए पहली चीज तो मैं वैक्सीन वाली एक चीज को क्लैरिफाई करना चाहूंगा, वैक्सीन रेबीज की सिर्फ डॉग्स के काटने पे नहीं लगती है, देयर आर अदर एनिमल्स आल्सो जिनके काटने पे वैक्सीन लगती है। तो आप पहले तो ये पूरा क्रॉस चेक करिए फैक्ट को कि कितने परसेंट ऑफ वैक्सीन जो है वो कंज्यूम यूज हो रही है इस पर्टिकुलर चीज के लिए या अदर एनिमल्स के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने एक बोला कि छोटी ऑब्जेक्ट जैसे बच्चा हो गया, अपनी सेम हाइट के ऑब्जेक्ट के लोग को देख के अटैक करने की कोशिश करते हैं, वो पॉइंट भी बिल्कुल एक तरीके से देखा जाए उसको इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि वो हर एज ग्रुप हर साइज के लोग के ऊपर अटैक कर सकते हैं। और रीजन क्या है, रीजन ये है
तीन बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। सबसे पहले मूविंग ऑब्जेक्ट को वो अटैक करते हैं। मूविंग ऑब्जेक्ट को क्यों अटैक करते हैं, आपने कभी इंस्टिंक्ट उनका फॉलो किया? क्योंकि उनको पता है कि मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो उनके लिए इंजीरियस है, वो उनको अटैक कर सकते हैं, उनके ऊपर उनके मन में डर है मूविंग ऑब्जेक्ट को लेके। तो जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट हैं वो उसके पीछे डॉग बुरी तरीके से चेज करते हैं। और आप सर यकीन नहीं मानेंगे, मतलब थ्रेट तो है, मतलब थ्रेट तो है अंदर, अगर वो सोसाइटी में है, लोकैलिटी में है, छोटे बच्चे को आप कैसे समझाएंगे यू डोंट मूव, मतलब थ्रेट है। आप मेरा पूरा पॉइंट सुनेंगे, मैं कंक्लूजन पे आऊंगा। हाँ, मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आऊंगा जिस पॉइंट पे आई विल गिव अ सॉल्यूशन। बट आपने इतना जो कुछ बोल दिया है ना सर, इसकी वजह से एक भय बैठ गया है लोगों के अंदर, वो खत्म करना मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, और वो मैं खत्म करके रहूंगा। ठीक है, आप अगर आपके थ्रू नहीं खत्म कर पाऊंगा तो मेरे पास और भी अदर प्लेटफॉर्म है जिनके थ्रू मैं वो भय खत्म कर पॉइंट इज सर, पहले तो मूविंग ऑब्जेक्ट वाली बात हो गई। सेकंड चीज, आपने देखा होगा जो रैक पिकर्स होते हैं, जो कूड़ा उठाने वाले होते हैं, कूड़ा बीनने वाले होते हैं, ये झोला टाइप का लेके चलते हैं, हाथ में डंडी लेके चलते हैं, ये इनके ऊपर बहुत ज्यादा भौंकते हैं। क्यों भौंकते हैं? बिकॉज जब भी डॉग्स इनके पास में जाते हैं ये उनको मार देते हैं भगाने के लिए, तो उनको पता है कि उससे उनको खतरा है। तीसरी चीज, आपने मोहल्ले में कॉलोनी में खेलने वाले वो बच्चे भी देखे होंगे जो बिना किसी वजह के, ठीक है, उनके पेरेंट्स सामने खड़े हुए हैं, वो कुत्ते के पिल्ले को उठा रहे हैं और पटक दे रहे हैं, फिर उठा रहे हैं फिर पटक दे रहे हैं। मैं जाके जब उनको टोक रहा हूँ, मैं उनसे बोल रहा हूँ कि ये काट लेगा अभी तब आपको दिक्कत होगी, तो बोल रहे हैं अरे वो खेलने की चीज है, वो खेलने की चीज है, उसके साथ खेल रहा है बच्चा, ये कौन सी बात है भाई, खेलने की चीज है, चलिए ठीक है, हटाते हैं उस चीज को। अब आते हैं पॉइंट पे, सॉल्यूशन क्या है, मैं सीधे सॉल्यूशन पे आता हूँ। स्टाइलाइजेशन एज मच एज पॉसिबल, दैट द ओनली सॉल्यूशन। अगर आप रिलोकेशन की बात करेंगे, आप कहेंगे नगर निगम में कुत्ते भर के भिजवाते हैं, तो आप कहाँ भिजवा रहे हैं उनको, मारने के लिए भिजवा रहे हैं क्या? या उनको आप किसी और लोकेशन पे रिलोकेट कर रहे हैं, वहां पे जाके रिलोकेट होंगे तब भी उनके साथ में कोई प्रॉब्लम होगी। द ओनली सॉल्यूशन इज स्टेरिलाइजेशन एज मच एज पॉसिबल, ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल, और उसके लिए वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल। आई एम रिस्पॉन्सिबल, जनरल पब्लिक इज रिस्पॉन्सिबल, एडमिनिस्ट्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल, एंड वेट्स आर ट्राइंग एट देयर लेवल बेस्ट, वेट्स आर ट्राइंग एट देयर लेवल बेस्ट। अगर हमारे साथ यहाँ पे जो भी वेट जुड़े हुए हैं उनसे अगर हम पूछें तो उनके पास भी क्रुएल्टी केसेस आते होंगे। और मेरे जो क्रुएल्टी केसेस जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, 90% ऑफ द केसेस ऐसे होते हैं जिनमें डॉग की कोई गलती नहीं होती है। मेरे जैसा वॉलंटियर जो ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहा है वो पूरा पहले जान लेता है, पहचान लेता है कि ये जो अटैक हुआ है इसका रीजन क्या है, कॉज क्या है। आप यकीन नहीं मानेंगे, सोसाइटी में ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हुए हैं जो बिना वजह घर के बाहर जैसे कुत्ता बैठा हुआ है, बिना वजह कुछ नहीं कर रहा है, उनके बच्चे के साथ खेलता है, उनका बच्चा उनको बिस्कुट डालता है और उसके ऊपर तक अटैक कर देते हैं। तो प्रॉब्लम दोनों तरफ है। और मैं बिल्कुल भी उस तरीके का एनिमल एक्टिविस्ट नहीं बनूंगा यहाँ पे कि भैया डॉग के बारे में बुरा बोल दिया तो मैं आके भड़क गया। मैं भड़क इसलिए रहा हूँ क्योंकि एक बहुत गलत मैसेज जा रहा है सोसाइटी में। इस मैसेज की वजह से लोग अपने घर के बाहर में जो आज डॉग्स को अंदर अलाउ कर रहे हैं, जो डॉग्स बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं उनको भी वो अलाउ नहीं करेंगे और वो भी स्ट्रगल करेंगे वहां पे फेस करेंगे प्रॉब्लम। पॉइंट ये ABC पे आते हैं, एनिमल बर्थ कंट्रोल। आप पहले तो नगर निगम के थ्रू उठवा के इधर उधर रिलोकेट नहीं कर सकते। नगर निगम के थ्रू सिर्फ वो एनिमल उठ सकता है जो इंजर्ड हो या जो पागल हो, पागल मतलब जो काट रहा हो बुरी तरीके से, पागलों की तरह सबको, इवन वो एक एनिमल एक्टिविस्ट भी होगा वो सामने अगर खड़ा होगा अगर उसको भी काट रहा है, दैट मींस कि वो कुत्ता पागल है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ऐसे डॉग्स के लिए या इंजर्ड डॉग्स के लिए एनिमल को आप बुला सकते हैं नगर निगम या जिसको भी जो भी एसोसिएशन वर्क कर रही है, लेकिन बट वो उसका प्रॉपर इलाज करें और सारी चीजों का ध्यान रखें और ABC पे ज्यादा फोकस करें। और यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट होगी जो लोग भी देख रहे हैं, प्लीज फोकस ऑन ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल एंड We can say it as sterilization, उस पे focus करिए और इधर उधर की बातों में ध्यान मत दीजिए। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन रजत जी एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ, ये तस्वीर PCR से कहूंगा कि इस तस्वीर को दिखाया जाए। ये तस्वीर भोपाल की है जहाँ एक छोटी सी बच्ची को ये कुत्ते जो है ये अटैक कर रहे हैं। इस तस्वीर देखिएगा, यहाँ पर जब कुत्ते तो मैंने वीडियो देखी है। हाँ ठीक है, देखिए वीडियो दिखाई है, वो मैं देखी है। ठीक है, ठीक है, फिर ठीक है। और मैं तो उस बच्चे को, छोटी सी बच्ची पर अगर कुत्ते अटैक कर रहे हैं तो उस लोकैलिटी में, उस सोसाइटी में तो मैसेज अपने आप जा रहा है उस वीडियो के लिए। हाँ, तो डर अपने आप बन रहा है। सोसाइटी के लिए मैं बस इतना ही कह सकता हूँ, उस सोसाइटी में बस इतना ही कह सकता हूँ कि उनकी बेवकूफियों की वजह से एक बच्ची की जान चली गई। वो सोसाइटी अगर पहले से थोड़े से एक्शन सही तरीके से लेती, स्टरलाइजेशन पे वर्क करती और अगर एनिमल्स को फ्रेंडली करने की कोशिश करती उस सोसाइटी में, तो ये आप कह रहे हैं कि पूरी गलती जो है, बच्ची मरी है ना, ये बच्ची जो मरी नहीं, मरी नहीं है, मरी नहीं है, अभी वो ठीक है, ठीक है, जख्मी थी, घायल थी, मरी नहीं है, ठीक है, थैंक्स टू गॉड कि वो मरी नहीं है, वो जख्मी जल्दी ठीक हो जाए, मैं यही प्रे करूंगा। लेकिन वो उसकी जो ये हालत हुई इसके लिए सिर्फ कुत्ते जिम्मेदार नहीं है, उसके आस पास सराउंडिंग में जितने लोग रह रहे हैं ना, इवन मेरे जैसे लोग भी जो वहां पे रह रहे हैं वो जिम्मेदार है, ना कि कुत्ते, इंसान जिम्मेदार है। आपने कहा कि इंसानों की गलती, चाहे वो आप हो चाहे वो, ठीक है, अगर इंसानों को कुत्ते काटते हैं तो इसमें भी इंसानों की गलती है, ठीक है।
डॉक्टर रानू गलती है इंसान, बिल्कुल exactly. क्योंकि उन्होंने इस तरीके की बेवकूफियां की हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, डॉक्टर रानू तोमर जी भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर रानू जी, जैसा कि अभी आप सुन रही थी, इन्होंने कहा कि अगर इंसान को कुत्ते काटते हैं तो भी इंसानों की ही गलती है, और बाकी अन्य बातें भी कही हैं आपने, सुनी है, तो आपका क्या वर्जन है इस पर? ये बिल्कुल रजत जी बहुत बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। देखिए, ऐसा बहुत ही कम केसेस आते हैं कि इस तरह का डॉग बिहेव करते हैं, बट हमें देखना चाहिए कि वो ऐसा बिहेव कर क्यों रहे हैं। एनिमल अब्यूज है कहीं ना कहीं, या हम एक वीडियो से हम सारे डॉग के बारे में ऐसे अपना परसेप्शन नहीं बना सकते कि सारे डॉग ऐसे ही, एक डॉग के बारे में हम ऐसा परसेप्शन नहीं बना सकते, जैसा कि रजत जी ने कहा कि कुत्तों को मारा जाता है, तो एक आध केसेस से हम ये परसेप्शन नहीं बिल्ड कर सकते कि उनको मारा ही जाता है। एनिमल अब्यूज बहुत एक बड़ा रीजन है इसके पीछे, लोग पकड़ के कोई 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 लाठी से मार रहा है, बहुत सारे डॉग हमारे पास आते हैं जो पैरालिसिस या उनको मारते हैं, उनके रेस्ट ड्राइविंग करके उनके ऊपर टायर चलाते हैं, ये सब बहुत सारे केसेस हैं। और बहुत सारी वीडियोस ऐसी भी हैं जिसमें डॉग हेल्प भी करते हैं आस पास के लोगों की, या किसी मतलब इस तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि साइड डॉग जो है वो आदमखोर है, मारते हैं, मतलब बच्चों को परेशान करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत फ्रेंडली भी डॉग होते हैं, और वो डिपेंड करता है कि आप उनके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, आप उनके साथ मिसबिहेव तो नहीं कर रहे, आते जाते उनको टीज तो नहीं कर रहे हैं, उनको आप मार तो नहीं रहे हैं, है ना। तो बहुत सारा आप एक ही परसेप्शन नहीं सोच सकते इस चीज का। ओके, सो अगर डॉग्स को टीज, हमें समझना चाहिए कि इस तरह का बिहेव क्यों कर रहे हैं। और अगर ऐसा डॉग है, अगर ऐसी लोकेलिटी में ऐसा डॉग है, तो आपको ये देखना है कि आप स्पेइंग कराइए उसकी न्यूट्रिंग कराइए, गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए। काफी लोकेलिटीज में, काफी सोसाइटीज में दरअसल एक बात निकलकर सामने आ रही है कि आजकल जो एनिमल एक्टिविज्म के नाम पर जो कुत्तों को फीड करना, उनको ज्यादा कहीं ले जाने नहीं देना, उनको वहीं पर रखना, तो वो जाहिर सी बात है वो एनिमल एक्टिविस्ट जो है उनको तो अटैक नहीं करता। नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली, फीड करना ठीक है, राइट है, चाहे डॉग हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फीड करना राइट है, लेकिन बाकी जो अन्य लोग हैं उन पर समस्या आ रही है, संख्या ज्यादा बढ़ जा रही है। एक गली में रात में 12 बजे वही लोग हैं जिनके घर के बाहर डॉग बैठा होता है ना, वो डंडा मार के निकल जाते हैं, इनमें से मैक्सिमम वही लोग हैं जिनको दिक्कत है। नहीं, ऐसा होता है ना रजत जी, कुछ लोगों को डर लगता है, तो जिनको डर लगता है उनका क्या? अरे सर बहुत अच्छे से पता है क्या होता है, अगर डॉग बैठा है तो किसी को ऐसे नहीं काटेगा, जानवर हो अपने डर में, अगर वो डर रहा है तो वो अटैक करेगा, वो ऐसे किसी पे अटैक नहीं करेगा, चाहे डॉग हो, उसमें आप कोई भी एनिमल ले सकते हो। ठीक है, तो रीजंस तो बहुत सारे हैं, ऐसा आप एक वीडियो दिखा के आप ये नहीं कह सकते कि आपकी, देखो आपका ये मॉरल है कि आप ऐसी वीडियोस मतलब दिखा रहे हो तो दोनों पहलू को आप शो करो, आप एक ही चीज पे फोकस मत करो, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे डॉग बेचारे भूखे रह जाएंगे, डॉग हो, इवन गाय हो, या कोई भी हो सकता है, इस तरीके से आप तो डर बिठा रहे हो ना एक एनिमल, अगर आप एक इंसान की लाइफ, एक इंसान की लाइफ वैल्यू रखती है ना, तो उसके लिए मैं जानना चाह रहा था बस। आपने ये जो गोट का होता है, मटन होता है, चिकन होता है, इसके लिए आप नहीं लड़ते ना, गोट के लिए नहीं लड़ते, इसके लिए मैं जितना पर्सनल लेवल पे मैं लोगों को जितना कन्विंस कर पा रहा हूँ, जितना पर्सनल लेवल पे आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू मेक पीपल वीगन। ठीक है, मैं वीगन इसके लिए, बट सड़कों पे कुत्तों को मारना इस नहीं के फॉलो, वो चीज फॉलो होती हुई नहीं आ रही है। ठीक है, तो इस चीज को हमें थोड़ा ज्यादा अच्छे से ध्यान देना होगा, और केवल कन्वर्जेशन जीतना कुछ नहीं होता है। ठीक है, कन्वर्जेशन जीतने से बढ़कर भी कोई चीज होती है, उसको बोलते हैं इंसानियत, ह्यूमैनिटी, और ह्यूमैनिटी होनी चाहिए सबके अंदर। कन्वर्जेशन जीतने में क्या है, कोई भी फैक्ट्स वगैरह ला के हम प्रेजेंट करते हैं, कन्वर्जेशन जीत जाएंगे, बट इंसानियत जीतना बहुत बड़ी चीज होती है। बीते काफी दिनों में, फॉरेन वेटनेरियन, फॉर ए डॉक्टर, हमारे लिए हर कोई, चाहे वो डॉग हो, चाहे वो काउ हो, वो बफेलो हो, वो शीप हो, वो गोट, सब इक्वल है। एवरी लाइफ इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, है ना, और हम अपने लेवल पर उनको बेस्ट करते हैं कि सबकी कोई भी हो, उसमें सबकी जिंदगी को बचाया जा सके। बट अगर ऐसे कोई डॉग है
इस तरीके से हो रहा है तो सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप उनकी न्यूट्रिंग कराइए, उससे उनका टेम्परामेंट भी शांत होता है, ठीक है ना। गवर्नमेंट को इसमें स्टेप लेने चाहिए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी इसमें आना चाहिए कि जो जिस इस तरह के अगर डॉग हैं जिनकी बहुत ज्यादा वो हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो आप उनकी न्यूट्रिंग कराइए, उनकी स्पेइंग कराइए। इवन हम वेटनेरियंस बहुत, मतलब हम ये मान लीजिए हमारे पास ऐसे कोई डॉग आते हैं तो हम बहुत ही, मतलब जो बहुत ही कम चार्जेस में उनका वो कर देते हैं, स्पेइंग कर देंगे, न्यूट्रिंग कर देंगे। तो ये इस तरीके के स्टेप्स आगे बढ़ाने चाहिए, इस तरीके से मतलब एनिमल क्रुएल्टी को थोड़ा सा कम करना चाहिए और सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच आप दोनों का जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए, लोगों को थोड़ा सा जागरूक करने के लिए एनिमल क्रुएल्टी के खिलाफ भी और बाकी अन्य चीजों के लिए भी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से कुत्तों का आतंक नाम से जो टैगलाइंस चलती हैं, तो वहां पर अगर इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आती हैं तो इसका हल क्या है। समस्या हर जगह है लेकिन समाधान पर बात करना जरूरी है। ऐसे में हमारे साथ रजत जी और डॉक्टर रानू तोमर जी जुड़ी हुई थी, उन्होंने हमको बताया कि किस तरीके से इसका हल भी है लेकिन इसका दूसरा पहलू भी देखने की जरूरत है। दोनों पहलुओं के अपने अपने तर्क और दोनों तर्कों को देखना जरूरी है लेकिन दोनों तर्कों में विवाद तब होता है जब एक फाइन लाइन, मैं बार बार कह रहा हूं कि एक फाइन लाइन जब ब्रेक होती है, जब दोनों ही तरफ से अपने अपने पाले से बाहर आने की कोशिश होती है तब जाकर विवाद की स्थिति बनती है। लेकिन यह दरअसल मुद्दा गहरा है और इसमें ना तो एनिमल एक्टिविस्ट पर दोषारोपण करने की जरूरत है, ना ही ना जो लोकैलिटी के लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, आम लोग, उन पर भी दोषारोपण करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है कि प्रशासन अपने हिसाब से काम करे, जहां पर हर कोई अपना राइट टू लिव एंजॉय कर सके। फिलहाल के लिए इतना ही, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात हो, शुक्रिया। देखिए भारत @9 काबेंद्र चौहान के